हाँ यार, हमारे कॉलेज में पहली बार कोई अच्छी टीचर आई है। चल यार, चल। नंबर 10 प्रेजेंट मैम। नंबर 11 प्रेजेंट मैम। नंबर 12 प्रेजेंट मैम। हाँ, कम इन बॉयज, सिट। नहीं मैडम, ये तो बहुत सुंदर है यार, मजा आएगा पढ़ने में। ए, चल हट बे। अरे हट ना। नंबर 15 मैम। नंबर 17 प्रेजेंट मैम। नंबर 18 प्रेजेंट मैम। छोड़िया ओ, फुल हाउस, 100% ऑक्यूपेंसी, स्वीट स्टूडेंट्स। थैंक यू मैडम, यू कैन गो नाउ। ओके सर, बाय स्टूडेंट्स। ये क्लास लेने वाले यार, क्लास लेंगे, बहुत पकाएंगे यार। फंस गए यार, धोखा हुआ है हमारे साथ। कहाँ फंस गए? कल मेरी क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट थे, लेकिन आज हाउसफुल। क्यों भाई, मास बंक किया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। स्टैंड अप आई से। कल मेरी क्लास में क्यों नहीं आए थे? मेरे दोस्त के घर सत्यनारायण की कथा थी सर, मैं वहीं पर गया था। सिट। थैंक यू सर। यू, सत्यनारायण की कथा मेरे ही घर पे थी सर। हाँ हाँ। सिट सिट, तुम क्यों नहीं आई? पर्सनल प्रॉब्लम सर। ओह सिट। यू, पर्सनल प्रॉब्लम सर। ओके ओके, एंड यू? पर्सनल प्रॉब्लम सर। पर्सनल प्रॉब्लम तेरी क्या थी? वो क्या है ना सर, कल बारिश हुई थी ना, जो अंडरवियर धोया था वो सूखी नहीं सर, मेरे पास एक ही है सर। सिट। नॉनसेंस, व्हाट अबाउट यू? ओह कूल कूल कूल, ओके। ब्लड डोनेट किया था सर, इसीलिए नहीं आया। ब्लड किसी एक को दिया था या पूरे गांव को दिया? शिट, सिट डाउन। नॉनसेंस, कुछ तो चल रहा है यहाँ, मुझे इस बात पर गौर करना पड़ेगा। टुडे आवर क्लास इज मास बंक। मैं कम इन सर। तो ओवर कर दिया इसने तो। वो कल रात जब नानी को मंदिर लेकर जा रहा था। ओ, इसी मंदिर गए थे? यही है ना वो? प्रिंसिपल ऑफिस जाना है ना सर, चलिए चलते हैं। चला चला चला। नो नो नो, मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैं नो, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इधर इधर इधर, चल 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 चल। अब बोल, कैंटीन जाना है या फिल्म? कैंटीन चलते हैं। आई एम सॉरी। It's okay. Sorry. It's okay. Sorry. It's okay. सुनिए मैडम, आज गुरुवार है ना, ओम साई राम। I mean really sorry. अबे क्या कर रहा है तू? सारी बुक्स उठा ली। अरे बस करना यार, I am very sorry. Excuse me. Please. मीरा, आप पूरी लाइब्रेरी लेकर जा रही हो क्या? हाय, आई एम कृष्णा, हेल्प करूं क्या? सॉरी, वो आदत नहीं है ना। दीजिए। फर्स्ट फ्लोर? फिफ्थ फ्लोर, प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए ना, चलते चलते ये जो पहली बुक है ना, उसके 2 पेज पढ़ लीजिए ना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बुक्स पढ़ने की आदत है? बुक्स की आदत? आपको कौन सा राइटर पसंद है बताइए। मुझे चलन जी, श्रीश्री की कविताएं, एमसी जी की कहानियां, इनफैक्ट विश्वनाथ सत्यनारायण जी की बुक्स मैंने 100 बार पढ़ी है। आपने जेके रॉलिंग की बुक पढ़ी है क्या? अरे वही बंदा जिसके बेटे ने हैरी पॉटर लिखी थी ना। जेके रोलिंग लड़का नहीं, लड़की है। मैंने लास्ट टाइम जो 6 बार बुक पढ़ी थी ना, उसमें आपका आर्टिकल बहुत अच्छा था, वही सेक्स वर्कर वाला आर्टिकल। मैंने लिखा था इसलिए पढ़ा था, या टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा इसलिए तुमने पढ़ा था? आप बहुत इंटेलिजेंट है, सोचने का भी टाइम नहीं देती। इतनी ऊपर से कॉलेज पहली बार देख रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है।
वैसे आपको यहाँ पर क्या काम है? क्लासेस तो खत्म हो गई हैं। तेलुगु स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए उन्हें वॉलंटियरली हिंदी क्लासेस देती हूँ। माइंड ब्लोइंग! इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी क्लासेस, व्हाट अ सोशल सर्विस। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है क्लास फुल हो गया है ना। हाउसफुल, इतने लोग कहाँ से आ गए? ए अंकल, पीछे धक्का मत दीजिए। इतने लोगों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता होगा ना, इसीलिए शायद आपने वहाँ बॉडीगार्ड बिठाया ना। सॉरी सॉरी, यू कंटिन्यू। कृष्णा कौन है? हैं? मी तलवार राजा, सीनियर ऑफ द सीनियर्स। नाइस मीटिंग यू सर। आफ्टर ऑल फर्स्ट ईयर सीनियर्स नो रेस्पेक्ट। फाइव फ्लोर्स क्लाइंबिंग विथ 25 kg बुक्स। आई नो, ट्राई टू इम्प्रेस सीनियर गर्ल्स। जोक्स हैं? हंस रहा है? हैं? बहुत हंसी आ रही है तेरे को? तुम गए घुमा के बस। कैसा था रे भाई? वो बैठा हुआ है और आप अभी तक खड़े ही हो। डरा नहीं, खड़ा हो जाओ। खामखा मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? आप बैठ जाइए ना। भाई यहाँ कुर्सी भी नहीं है भाई। ओके ओके ओके। अगर एक बार और सीनियर गर्ल्स के साथ दिखाई दिया ना, तो ऊपर चढ़ने के लिए पैर नहीं बचेंगे तेरे, बुक्स उठाने के लिए हाथ नहीं बचेंगे तेरे। ओके यार, फाइनल ईयर की लड़की रात में सनग्लास पहन के घूम रही है, कौन है? ये तो सीनियर की भी सीनियर है। सॉरी सर। याद रखना। फ्रेंड्स, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। जानते हो इतनी रात को इतनी ठंड में हम यहां क्यों आए हैं? रिवेंज, बदला लेने का। जरा उस मासूम की ओर तो देखिए, उसने अपना गाल छुपा के रखा है क्योंकि उसका घोर अपमान हुआ है। एक सीनियर ने आकर रात में उसे कुत्ता समझकर मारा है। आवारा समझ के? दिन ब दिन सीनियर्स का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, क्या हमें उसका बदला नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। वैसे भी वो लोग हमसे किस चीज में आ गए? अगर वो लोग 4 साल पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे, अगर वो लोग 30,000 फीस दे रहे हैं तो हम 50,000 दे रहे हैं। सीनियर्स लड़कियां 108 हैं और हमारी बैच में 143 लड़कियां हैं। गुरूर तो हम में ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं भाई लोग? उनमें इतनी हिम्मत कि हमारे बंदे को हमारे रूम में आकर मारे? पता भी है इसके साथ क्या हुआ है? इसे कुत्ता कहकर गाली दे रहा हो। ए, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, उन्होंने भी ऐसी गालियां नहीं दी थी। तुम इतने भी दुखी मत हो जाओ। आज हम यहाँ जो फैसला लेंगे वो इस कॉलेज के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा, तो क्या तुम लोग तैयार हो? चुप गया। कौन है मेरे साथ? कॉलेज के इतिहास में अमर होना है। yes! अब हमारे बीच कोई ग्रुप नहीं बनेगा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का, कोई भी हो, हम सब एक हो जाएंगे और हमारे सीनियर्स की वाट लगाएंगे। yes!